हेलो गाइस, क्या हाल है। वेलकम है तुम लोग का एक नए वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज का एक और गजब का वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं स्टीम की समर सेल में 399 रुपीस के अंदर कौन कौन से बढ़िया गेम्स मिल रहे हैं। और ये लिस्ट भी बहुत बढ़िया होने वाली है। और एक और बात मैं तुमको बोलूंगा, अगर कोई भी बढ़िया गेम मेरे से मिस हो जाए जो 399 रुपीस के अंदर मिल रहा है तो तुम उसको कॉमेंट में बता सकते हो। बाकी मैंने ढूंढ ढूंढ के बहुत ही अच्छे गेम ढूंढे जो 399 के अंदर मिल रहे हैं, बट अगर कुछ मिस हो जाता है तो तुम कॉमेंट में लिख देना, हम अपनी फाइनल लिस्ट में उसको इंक्लूड करने का ट्राई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं हम सीधे स्टीम की तरफ, देखते हैं कौन कौन से बढ़िया गेम आज हमको मिल रहे हैं 399 रुपीस के अंदर। तो चलो हम आ चुके हैं स्टीम की तरफ और स्टार्ट करते हैं हमारे पहले गेम से, जो है डेड बाय डेलाइट। और ये मिल रहा है हमको 327 रुपीस में। ये बहुत ही अच्छा गेम है, इसका तुम रिव्यूज देख सकते हो, वेरी पॉजिटिव है, 528,000 रिव्यूज के साथ। और ये रिलीज हुआ था जून 2016 में। ये सर्वाइवल हॉरर गेम है मल्टीप्लेयर कोऑप में और बहुत सारे लोग इसको बहुत टाइम से खेल रहे हैं। और इतना ज़्यादा नया गेम भी नहीं है तो ज़्यादातर लोगों के पीसी में चल भी जाएगा। ये इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट देख सकते हो तुम, बहुत ही अच्छा गेम है और अगर तुम इसको लेना चाहो तो ले सकते हो। बहुत सारे लोगों के साथ कोलैब करते हैं लोग बढ़िया बढ़िया से, तो तुमको अगर ऐसी चीज़ें पसंद है सर्वाइवल हॉरर गेम तो तुम ट्राई कर सकते हो उसको। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ, जो है भैया फॉलआउट 4। फॉलआउट 4 भी आया था नवंबर 2015 में और ये भी बहुत ही अच्छा गेम है। मैं इसको यही रिकमेंड करूंगा कि तुम इसको सिर्फ स्टोरी के लिए लो, बाकी इसका बड़ा एडिशन लेके कुछ फ़ायदा है नहीं। इसका बेस एडिशन मिल रहा है 399 रुपीज़ में, जो हमारी लिस्ट है आज की एकदम उसके बजट को फिट करता है भयंकर तरीके से। उसके बाद इसका गेम ऑफ द ईयर एडिशन भी है, वो 719 का है, बट मैं तो ये बोलूंगा तुम बेस एडिशन लो और खुश रहो, स्टोरी ख़त्म करो, है ना। उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले गेम की तरफ, जो है राफ्ट। ये मिल रहा है हमको 378 रुपीज़ का, 33% ऑफ है, इतना ज़्यादा सस्ता हुआ नहीं है, बट इसका मेन प्राइस भी इतना ज़्यादा है नहीं। इसकी रिव्यू भी वेरी पॉजिटिव है और ये गेम भी तुमको पता ही होगा बहुत सारे स्ट्रीमर वगैरह खेलते थे स्ट्रीम पे, अभी तो कम हो चुका है बट फिर भी बहुत ही अच्छा गेम है, वेरी पॉजिटिव रेटिंग है 268,000 रिव्यूज़ के साथ और 378 रुपीज़ डिसेंट प्राइस इसको लेने के लिए। अगर तुमको इस गेम के बारे में पता नहीं है तो तुम सर्वाइव करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ एक राफ्ट में, तुमको राफ्ट को अपग्रेड करते रहना है और सर्वाइव करते रहना है, यही गेम है बस, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ, जो हमारा अगला गेम है वो है लीथल कंपनी। लीथल कंपनी भी हमको मिल रहा है 360 रुपीज़ का, ये 25% ऑफ है, बट ठीक है, ये भी इतना कुछ महंगा गेम नहीं है, डिसेंट प्राइस पर मिल रहा है। ये गेम भी लास्ट ईयर आया था अक्टूबर में ही और कितना फेमस हो चुका है तुम देख ही सकते हो, 328,000 रिव्यूज़ है, वो भी ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव रिव्यूज़ के साथ। तो ये भी फर्स्ट पर्सन शूटर ऑनलाइन कोऑप गेम है हॉरर टाइप का, तो अगर तुमको इस टाइप की चीज़ पसंद है तो तुम इसको ट्राई कर सकते हो। मैंने पर्सनली इस गेम को नहीं खेला है, मेरे को इतना खास इंटरेस्ट आया नहीं था इस पे, बट ये फेमस गेम है तो मैंने सोचा चलो इसको लिस्ट में ले लेते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ, जो है स्नाइपर एलीट 5। स्नाइपर एलीट का एक और गेम मैंने चूज़ किया था शायद लास्ट लिस्ट में मेरी, उसके बाद ये स्नाइपर एलीट 5 और ये मिल रहा है 329 रुपीज़ का, ये वेरी पॉजिटिव रिव्यूज़ के साथ है, 14,000 रिव्यू हैं इसके, इतने कुछ खास रिव्यू नहीं है, बट अगर तुमको स्नाइपिंग वगैरह करना पसंद है तो इस गेम को कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ, जो है हाउस फ्लिपर। ये भी बहुत ही बढ़िया गेम है, इसको मैं ले चुका हूँ बट मैंने इसको खेला नहीं है, शायद फ्यूचर में कभी इसका वीडियो डाल दूँ मैं। इसमें हमको क्या करना होता है, जितने भी हाउस होते हैं उनको रेनोवेट करना होता है अलग अलग तरीके से, ठीक है, मतलब जैसे तुम फोटो में देख सकते हो ऐसा कचड़ा घर होता है, तुम उसको एकदम सही बना लेते हो एकदम ऐसा, ठीक है। ये मिल रहा है हमको 330 रुपीज़ का, बाकी इसके और एडिशन भी है, कुछ 2000 का पड़ता है पूरा का पूरा बंडल, 57% ऑफ मिल रहा है अभी, बट मैं यही बोलूंगा कि तुम अभी बस बेस एडिशन ले लो 330 रुपीज़ का अगर तुमको गेम एक्सपीरियंस करना है तो, क्योंकि इसका नया वेरिएंट भी आ चुका है हाउस फ्लिपर 2, तो उसके हिसाब से, है ना। अब हम चलते हैं हमारे अगले गेम की तरफ, जो है डूम 2016 वाला। इस गेम के बारे में तो क्या ही बोलना, तुमको पता ही है कितना फेमस गेम है ये, ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव रिव्यूज़ है, 128,000 रिव्यूज़ और 319 रुपये का मिल रहा है गेम। मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ लेने का, मैंने लिया नहीं था अभी तक, बाकी इस गेम के बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी है मैंने, तो देखते हैं इस बार मैं इस गेम को लेता हूँ कि नहीं। बाकी तुम लोग अगर लेना चाहो तो ले सकते हो 319 रुपये में। उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले गेम की तरफ, जो है नीड फॉर स्पीड हीट।
एक ना एक रेसिंग गेम तो इंक्लूड करूंगा ही मैं हर लिस्ट में, ठीक है, क्योंकि मेरे को रेसिंग गेम्स पसंद है, शायद मेरे जैसे और लोग भी हों जिनको रेसिंग गेम्स पसंद हो। तो NFS हीट मिल रहा है हमको पूरे के पूरे 349 रुपीस का। ये NFS हीट इससे भी सस्ता हो रखा है पहले, बट अभी 349 रुपीस में अच्छा प्राइस मिल रहा है। और ये थोड़ा सिस्टम रिक्वायरमेंट हैवी गेम है, बहुत ज़्यादा अगर तुम्हारा सिस्टम है तभी तुम इस गेम को लो, नहीं तो ये लैग करता है, ठीक है। ये मेरे PC में भी मेरे को कभी कभी थोड़े दिक्कत वाले FPS दे देता है, तो अगर तुम्हारा सिस्टम अच्छा खासा है तभी इस गेम को कंसिडर करना, नहीं तो मत लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे अगले गेम की तरफ, जो है बायोशॉक इन्फिनाइट। ये रिलीज हुआ था 2013 में, इसके भी वेरी पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं। 349 रुपीज़ का मिल रहा है, और अगर उसका बायोशॉक इन्फिनाइट लेते हो तो 374 का है। ओके, कलेक्शन ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है भाई, पता नहीं ऐसा कैसे है। तुम एक बार देखना तुम्हारे पास क्या दिखाता है, तुमको कितने का दिखाता है, क्योंकि मेरे पास इसके बाकी के गेम्स हैं। ये पूरा कलेक्शन इतने का मिल रहा है क्या, मेरे को इसका आइडिया नहीं है। बट अगर तुम सिर्फ ये गेम लेना चाहो तो 374 का है। अगर तुमको कलेक्शन 349 की मिल रही है ना पूरी, तो उठा लेना, ठीक है, पूरी की पूरी कलेक्शन उठा लेना, बहुत ही अच्छे गेम्स हैं इसमें। 374 में बेस गेम और बाकी ठीक है, ये भी देख सकते हो तुम, बाय बायोशॉक इन्फिनाइट प्लस सीजन पास। यहाँ पे सीजन पास और इन्फिनाइट दोनों मिल रहा है, तो बंदे वो लेंगे ना, ये 624 का क्यों लेंगे, क्या अजीब प्राइसिंग है ये, पता नहीं। बट अगर तुमको 349 में सारे गेम मिलते हैं ना, बायोशॉक 1-2 रिमास्टर्ड और इन्फिनाइट प्लस सीजन पास, तो तुम ये ले लेना, बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये भी अच्छा गेम है, स्टोरी रिच गेम है और मस्त मस्त चीज़ें होती है इसमें भी, तो इसको भी तुम ले सकते हो अगर तुमको स्टोरी गेम्स पसंद है तो। उसके बाद चलते हैं हमारे आखिरी गेम की तरफ, जो थोड़ा अलग सा गेम है, तुमने किसी को पता नहीं देखा होगा कि नहीं इसको रिकमेंड करते हुए, बट क्रैब चैम्पियन बहुत ही बढ़िया गेम है, बहुत ही फन गेम है। तुम एक क्रैब होते हो और शूटिंग गेम है, ठीक है। अलग अलग टाइप के एनिमी आते हैं इस आइलैंड में और तुमको सर्वाइव करना है, यहाँ पे सबको पेल पेल के, रोग लाइक गेम है, तो बहुत ही अच्छा है। ये मिल रहा है 360 रुपीज़ का, और मैं ये लेने का भी कंसिडर कर रहा हूँ। वैसे ये गेम भी इतना कुछ महंगा नहीं होता है, बट तुम जैसा लेना चाहो ले सकते हो। ये लास्ट ईयर ही रिलीज़ हुआ है तो इसलिए इतना सस्ता नहीं हुआ शायद। तो ये थी मेरी लिस्ट गेम्स अंडर 399 रुपीज़ की। होपफुली तुमको ये लिस्ट पसंद आएगी, और अगर तुमको लगता है कि कोई गेम इसमें से मैंने मिस कर दिया है तो मेरे को तुम कमेंट्स में बता सकते हो, उसको मैं फाइनल लिस्ट जब बनाऊंगा उसमें हम इंक्लूड कर देंगे, है ना। तो यही था आज का वीडियो, होपफुली तुमको पसंद आया होगा। मैं यही ट्राई करता हूँ कि हर एक लिस्ट में तुमको अलग अलग टाइप का गेम मैं दिखाऊँ, ताकि थोड़े वेरिएशन और वैरायटी मिले तुमको, नहीं तो एक ही टाइप की गेम देख देख के सब बोर हो जाते हैं, है ना। कल है हमारा, कल नहीं मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा अभी परसों, वो है हमारा गेम्स अंडर 499 रुपीज़ का, और उस कैटेगरी में बहुत ही बढ़िया बढ़िया गेम्स हैं, ऐसे ऐसे गेम्स हैं जो मैं खुद रेगुलरली खेलता हूँ, तो उनको रिकमेंड करूँगा मैं। होपफुली उस लिस्ट में तुमको मज़ा आएगा, और याद से उसको अच्छे से देखना, क्योंकि 500 रुपये के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं आजकल, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, और सजेस्ट कर सकते हो तुम और क्या क्या देखना चाहते हो चैनल पे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।